वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो गाइस व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा। आज हम लोग जा रहे हैं जी मालम जब, एक दिन का ट्रिप है हमारा, तो इंशाल्लाह जाएंगे, आप लोगों को विजिट कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये अचानक से हमारा प्लान बना है, सो हमने कहा चलो ठीक है जी, आप लोगों को मालम जब्बा भी घुमा लिया जाए। मैं इसी वजह से ही जा रहा हूँ, मैंने कहा चलें एक वीडियो बन जाएगी और खुद भी बंदा एंजॉय कर लेगा और साथ जा रहा है ना, वीडियो भी बन जाएगी। तो अब चलते हैं आज यहाँ से। बस अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होता हूँ, कपड़े शपड़े मैंने निकाल लिए, रेडी होके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। आप लोग जाएं चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो लगाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं होता हूँ जी रेडी, आप लोग करें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जी। तो आपका भाई रेडी हो चुका है, देख लें किस तरह का लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं भाई लोग। बात इस तरह की है, मैं निकल पड़ूँ और तकरीबन हो गया टाइम 8 बजे का सुबह, और जो वाह है ना इस टाइम, वाह खंड भी आप लोग समझ लेंगे, मालूम जब बस वाह ही बना पाए। इतनी ठंड है कि जिसकी कोई याद नहीं, पीछे बैक पे आप देख सकते हैं कितनी धुंध है, ठीक ठाक ठंड है। हम अब डायरेक्ट पहुँचेंगे, आपको आगे पहुँच के इंशाल्लाह व्यू भी प्रॉपर दिखाएंगे ताकि आपको अच्छा सा यानी कि व्लॉग मिल सके। A few minutes later. जी अभी हम जो है ना जलो टूर प्लाजा पे पहुंच चुके हैं, रोशान भाई मौजूद हैं हमारे साथ, अवैस सर कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, उसामा और जैक सुनने क्या हुआ है। उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम देवी और सजनों। उसामा भाई रियल वाले, उसामा भाई रियल वाले देवरे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? इस टाइम मैं YouTube पे आ रहा हूँ। ये तो तुमने जो अस्सलाम वालेकुम किया ना, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये टेक्नो गेमर नहीं लौरदा पावा, लौरदा पावा नहीं नो लौरदा। ये भी हम बहुत सारी क्वारी के बाद मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और अब सीधा आलम जब्बा की तरफ जा रहे के लिए। और ये जगह पता नहीं कौन सी है, यहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ से चलते हैं आगे, चल के खाना शाना खाते हैं आगे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और इधर ये अपने शुगल बस्ती में मसरूफ है, चाय शाय चल रही है। आज हम इतना ख्वार हुए, इतना ख्वार हुए जितना ख्वार हुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर स्वाद जाने तक कितना ख्वार हुआ जा सकता है हम सोच रहे हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम पे पहुंच जाएंगे। टाइम तो बहुत ज़्यादा गुजर गया लेकिन एक हो चुका है, तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। किलो करने जा रहे हैं लगता है, नहीं हम सुहाग से यू टर्न लेने जा रहे हैं, वहाँ से यू टर्न लेके वापस आएंगे घर। बेसिकली जो हमारा मेरा जो पर्पस था ना, मुझे पता था ऐसा कोई सीन होना है, लेकिन मेरा जो मकसद था गैदरिंग का था, गैदरिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, ये ज़िंदगी है ऐसे ही, असल जीवन कराओ क्या पता कल हो ना हो। मज़ा आया में भटके हुए, हाय कितने बेचारे हुए, जीते जीते सनम लाश होने लगे, यूं तबाह कर दिया है तेरे प्यार ने, कैसे हंसते थे हम कैसे रोने लगे, हाल क्या कर दिया है तेरे प्यार ने। Oh,
हम लोग रुके हैं यहाँ पे होटल पे, नाम अभी पता नहीं है, लेकिन अलबत्त खाने के लिए रुके हैं, लंच टाइम है, चीज़ें आ रही हैं, आती हैं, खाना खाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको, व्यू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ। ये जी कढ़ाई आ चुकी है और हमारा बंदा भी आ चुका है। किधर गए थे सब बता दें। बड़ा हरामी हो बेटा। जी अभी खाना शाना करते हैं। बड़ी जल्दी आ भाई, खाना खाना खा लिया, फिट हो गए और अब जा रहे हैं चाय चाय पीने के लिए। सवात में इस टाइम हम मौजूद हैं और ये हमारी पूरी टीम जा रही है। मालक जबा आ गए हैं, ठीक है, और ये आप व्यू देख सकते हैं, दिखाएं जी हमारी ऑडियंस को व्यू, कितना हसीन व्यू है यहाँ से। बस हमने खाने खाना खा लिया, चाय पी लिया, अब हम वापस निकले। खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, नो डाउट। क्यों जी? वैस भाई वाह, एंड सुकून है, बैठे जा सारे ब्याह बैठे हुए हैं। खाना कैसा था जी? देखिए जी, हमने जो खाना खाया है वो मजे का था। अच्छा। हमें उन्होंने बोला था मालम जब्बा जाएंगे, हमें यहाँ ला के खाना खिला दिया। ये क्या खुला तादाद नहीं है? मजा आया बस जी, मजा आया। हम पहुंच चुके हैं मालम जबा और यहाँ पे देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा है, और हम पहुंचे बहुत लेट है क्योंकि मोटरवे जो थी ना बंद थी। और ये देखें जी, इधर जिप लाइन भी है, अगर तो टाइम मिला तो इंशाल्लाह जाएंगे। ये जिस तरह भाई आ रहा है, ये देखें, ये और ये अपने जवान खड़े हैं जी। हम आ चुके हैं जी अंदर, टिकट शिकट लेके अभी चेयर लिफ्ट पे जाते हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ भाई हमारे नहीं आए, वो पीछे ही रुक गए हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो कहते हैं जी हम गाड़ी में रेस्ट करेंगे, तो अभी हम आए हैं। और असल में अंधेरा हो रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोग माहौल चेक करें जी, क्या बात है। हम जा रहे हैं जी चेयर लिफ्ट पे ज़िगज़ैग में से, आते जाओ और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं, और जो मैं दिखा सकता हूँ कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। बर्फ़ भी है थोड़ी बहुत, और अब बारी है जी हमारी चेयर लिफ्ट में बैठने की। ये नीचे नहीं होएगा और जी चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हम ऊपर।
और ठंड बहुत ज्यादा है उस्ताद। ये देखें जी और इन्जॉय बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ याद नहीं रही, ग्लव्स मैं लेके आया हूँ और वो गाड़ी में पड़े हैं। वो अगर पहन लेता तो और बेहतर होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट था क्योंकि 8 बजे सुनने में आ रहा है जी मोटर पे बंद हो जाएगी और तकरीबन 6 जो हैं इधर ही हमें बच चुके हैं। और यकीन करें मैं अकेला बैठा हूँ ना, मुझे वैसे चेयरलिफ्ट पर डर नहीं लगता, आज जो है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अकेला बैठा हूँ तो फीलिंग बहुत अजीब अजीब है। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं, यकीन करें पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे इस टाइम, लेकिन फिर भी है हम बैठे हुए है रहा, इंजॉय हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नीचे काफ़ी जो है ना ढलान है भाई साहब, नीचे नहीं देखना। ये जी जिप लाइन में से देखे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा, उसकी रीज़न है कि ना जाने की रीज़न ये है जी कि जिप लाइन पर मैंने भी बैठना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं ग्लव्स भी नहीं लाया और कैप वगैरह भी मेरी गाड़ी में रह गई है, तो क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा है और वो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड से जो है ना बीमार हो सकते हैं। वाकेंट पिंडी 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 है हाँ, तो जी इसी तरह दोस्त भी मिल गए हमें, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं जिप लाइन इस्तेमाल कर रहा क्योंकि बीमार हो जाएं तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। बाकी मैं फजूल बातें नहीं करता, आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी ये बैक पे सारा व्यू है और ये काफ़ी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। भाई लोग शुगर लगा रहे हैं। हाँ भाइयो मजा आया, कोई नहीं बड़ा मजा आया, लिफ्ट नहीं चढ़ा मित्र, मजा इससे आना ही। और वो देखे ठंड नाल मेरे को भी गलती होगी, मैं सारा कुछ लै गया गड्डी च रह गया। और ये जी बस पहुंचने लगे हैं हम और थोड़ी देर में उतरते हैं और ऊपर से आपको पूरा व्यू देते हैं, बड़ा जबरदस्त लग रहा है व्यू। तो पहुंच चुके हैं जी हम ऊपर, बाकी की टीम लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कासिम भाई सेजोन 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 सारी ने लाइक्स करें सब्सक्राइब करें और टिंग का बटन जरूर दबाएं। क्यों जी अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसी फीलिंग रही? बहुत ही मजा आया पूरा, क्योंकि पूरे दिन का एग्जैजरेटेड हुए हुए यहाँ सोफिस्टिकेटेड माहौल था, जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं तो फिर आके जरा सुकून हुआ है। माशाल्लाह आप व्यू देख लें और मौसम भी बहुत सर्द है, माइनस टेम्परेचर है इधर, ठीक है ऐसे ही जी, चलिए एंजॉयिंग अ लॉट। एंड कासिम भाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके नए आने वाली जितनी भी अपडेट्स ट्रिप्स की हैं वो सब इनसे लेंगे। बिल्कुल जी लाजमी तो पाए जी कैंटी का बटन, आपको दिखाते हैं व्लॉग, तो व्लॉग कह रहे हैं आपको दिखाते हैं व्यू।
कॉफी ली है अभी, कॉफी शॉफी इंजॉय हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। वाह जी क्या बात है, स्वाद आ गया यार। इजाज़ बात ठंडी ठंडी मालम जब्बा, ठंडा ठंडा मालम जब्बा और गरम गरम कॉफी। पकड़े गए जी, अब तो वापसी करने लगे यहाँ से और चलते हैं नीचे चल के, बाकी सामा और उशान लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। बारी आ गई जी, अपनी मैं अकेले जाना है। उससे टिकट हो जाओ और जी वापसी शुरू। ओह बहुत हाइट है जी, बहुत हाइट। जी तो भाई लोग वापसी हो चुकी है हमारी भी, और अब चलते हैं वापस अपने अपने घरों को। चलें जी अब चलते हैं जी सीधा वापस। A few moments later. फाइनली जो है ना हम आ चुके हैं वापस वॉक एंड, और चलते हैं घर, घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। जी तो एवरीवन मैं अभी घर पहुंच चुका हूं और रात के तकरीबन हो चुका है टाइम, काफ़ी तकरीबन 12 एक बजे का टाइम है। और आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, असल में एक दिन का ट्रिप था और अचानक से फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना था कि यार चलो यार मालम जब्बा, वो ज़बरदस्ती लेके चले गए, तो हमने कहा चलें कंटेंट भी मिल जाएगा और अच्छा सा एक व्लॉग आप लोगों को भी देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रैवलिंग व्लॉग भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने आमी भर ली और चल पड़े। अब हुआ ये कि जब हम लोग मोटरवे पे पहुंचे तो वहाँ पे धुंध की वजह से जो थी ना, पहले बुरहान इंटरचेंज वाली जो थी वहाँ पर हम लोगों को वेट करना पड़ा। सुबह 7 बजे के हम लोग चले हुए थे और तकरीबन बुरहान इंटरचेंज में हम 2-2.5 घंटे वेट करते रहे, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा बल गए। तकरीबन 10:30-11 बजे हम वहाँ से बुरहान इंटरचेंज से चले, फिर आगे सवात इंटरचेंज पे जिस टाइम पहुँचे तो वहाँ पे फिर मज़ीद हमें वेट करना पड़ा। तो करते करते हम लोग जो थे वो मालम जब्बा तकरीबन 5 बजे के करीब पहुँचे थे। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था यही कि हम बहुत भी हो 1 घंटा जो है ना वहाँ पर घूमें, और वो भी टाइम आपने देखा है वीडियो में कि वो रोशनी या अंधेरा, यानी कि रात आपको पता आप जल्दी सर्दियों में तो रातें लंबी होती हैं, तो बिल्कुल वीडियो जिस तरह बनाना चाह रहा था वैसे बन नहीं पाई, लेकिन फिर भी कोशिश की जितनी हो सकती थी आप लोगों को बना के दिखाई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। तो फिर वो जितना शूट कर सकता था मैंने शूट किया, मज़ीद हम ज़्यादा फिर नहीं सके वहाँ पर, ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। उसकी रीज़न यही थी कि वापसी पे ये था कि एक और खदशा था कि 8 बजे जो था वो जो है ना वापसी पे भी मोटरवे जो है ना वहाँ से सवात की वो बंद कर देते हैं धुंध की वजह से। तो फिर वहाँ से हम लोग का था कि 6 बजे किसी भी तरह जो है ना वहाँ से हम लोगों ने वापसी करनी है, ताकि हम लोग सवात मोटरवे पे चढ़ जाएं, ताकि आगे हम लोगों को वहाँ पे वेट ना करना पड़े। अगर वहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ जाता तो ना करते भी हमें जो है ना
सुबह तक जो है ना वहाँ पे वेट करना पड़ना था जब तक धुंध खत्म नहीं होती, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी में निकले और वापस आ गए। तो फिर यही था जी आज का व्लॉग। तो अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जो भी नई वीडियो मैं लगाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए बेल आइकन आप लोगों ने ज़रूर दबाना है। तो इंशाल्लाह आगे ज़रा सर्दियां ख़त्म हो जाएं फिर अच्छा सा एक प्लान करेंगे। टीम हमारी बहुत अच्छी है, उसमें उसामा अवैस, दो अवैस हैं, एक उसामा, रोशान, मिस्टर जैक, और बड़ा ज़बरदस्त हमारी टीम है, बड़ी फन वाली टीम है। तो इंशाल्लाह आगे प्रॉपर हम प्लान करके जाएंगे, मौसम को भी देख के जाएंगे ताकि जो है ना अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। तो जी दें आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें हमें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और किसी नई वीडियो में।